फैमिली वेकेशन। मुझे बहुत भूख लगी है, बस ज्यादा मत खाओ पागल। उफ्स, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैंने तुम्हें कहा ही था। बॉटल को काटे। एक टॉयलेट। राइनस्टोन से सजाए। आरामदायक फ्रोजन थीम वाला टॉयलेट। भागो भागो ऑलाफ, जकूजी में मजे कर रहे हो, मुझे अजीब लग रहा है। क्या ये सैंडविच की वजह से हो सकता है? मुझे क्या हो रहा है? लालीलू, ये बहुत अजीब है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एल्सा की स्किन ग्रीन हो गई है, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी। आंखों के नीचे कंसीलर, ब्लॉन्ड हेयर भी अजीब हो गए। क्या चल रहा है? मुझे क्या करना चाहिए? आना, क्या तुमने कोई चीख सुनी? सिस्टर, हमें उसे देखना चाहिए। दोस्तों, मदद करो, सब अपने आप को बचाओ। रुको, क्या हुआ? वो मुझसे डर रहे हैं। मेरी एल्सा, मत रो। ये कैसे हुआ? ये अभी हुआ। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, हम तुम्हें जरूर ठीक कर देंगे। हेलो, एक बकेट ले। शुक्रिया, वेलकम। किनारों को सीधा करें, एक ट्यूब जोड़ें, ईयरबड और स्टेथोस्कोप हेड। एल्सा एक थ्रोन पर बैठी है और बुक के पीछे छिपी हुई है। सिस्टर, तुम्हें कैसा लग रहा है? चले जाओ, मेरी ओर मत देखो। ओ नहीं, वायरस बढ़ रहा है, हालात खराब है, हम अभी इसे ठीक कर लेंगे। तो मेरी लेबोरेटरी, कैप लगा ली, इंस्ट्रूमेंट तैयार है। सबसे पहले तुम्हें सुनते हैं। सांस लो, सांस छोड़ो, तो साफ है तुम बीमार हो। हमें कुछ और सीरियस चाहिए। विटामिन पोशन तैयार है। नर्स, एक टिश्यू। कमाल कर दिया, मुझे कोल्ड हो गया है। उसकी हालत और भी बिगड़ गई। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। एक ट्रे ढूंढे, तार को अलग करें, ब्रेन लगाएं, सॉसेज बनाएं, असली की तरह। ऐसी डिश किसे पसंद होगी? लालीलू हॉस्पिटल में एक और वर्किंग डे। सब्सक्राइबर्स, मैं नॉर्बर्ट हूँ, अपनी ग्रैनी से मिलने आया हूँ। सोचो अगर मैं डॉक्टर बन गया, क्या बात है। डॉक्टर मदद करो, मेरी बहन बीमार है, तुम्हें बाहर जाना होगा। उसका ख्याल रखना। चलो जांच करते हैं, पल्स कहाँ है? सब कुछ ठीक है, तुम एक ज़ॉम्बी हो डार्लिंग। क्या तुम्हें नए सिरे से जीना सीखना होगा। ब्रेन केक ट्राई करो, अजीब लग रहा है लेकिन स्वादिष्ट है। वाह, एक मजेदार स्नैक, हम ट्रेनिंग जारी रखते हैं, ऐसे चलो। एल्सा, डॉक्टर मेरे साथ है। यहाँ क्या हो रहा है? एयर ड्राई क्ले को गूंदे, जार भरे, ढक्कन को बंद करें, बर्फ के टुकड़े से सजाएं, नया ट्रीटमेंट मेथड ट्राई करते हैं। ये लड़का कौन है? वार्ड से बाहर जाओ धोखेबाज। उफ्स, एक हफ्ते बाद मिलते हैं। तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट आ गए हैं, सब बर्बाद हो गया, मैं एक ज़ॉम्बी हूँ। ये सिर्फ आम जहर है। तो फिर मेरा चाल और वो आवाजें, बेकार की बातें छोड़ो, बस विटामिंस ले लो। खैर ठीक है, well done. चोट के निशान चले गए और पिंपल्स भी कम हो गए हैं। बहन, तुम ठीक हो रही हो, रिकमेंडेशन को फॉलो करना। याद के तौर पर फोटो लेते हैं।
पेपर एयरप्लेन। हाय मारियो, नई एम्बलम। बर्गर पैक करें, ढेर सारा फास्ट फूड, स्नैक का समय है। दोस्त लंच के लिए मैकडॉनल्ड्स आए, क्या चुने? शुक्रिया, मैं पे करूंगा, ये रहे पैसे। ओप्स, ये लो, खाने के मजे लो लड़कियों। बहन देखो, हाँ ये क्रिस्टोफ है, बस वो मुझे ऐसे ना देख ले। मेरे पास एक आइडिया है, आई होल्स काटे, वाला ब्यूटी, सच में ये काम आएगा। हाय क्रिस्टोफ, ओह डर ही गया था, क्या ये मजाक है? नहीं खैर, मैंने सब कुछ खराब कर दिया है, परेशान मत हो, उसे प्यार हो गया, मुझे पता है। एक कैप, थोड़ा सा पाउडर, कैप को बनाएं, पाउडर बॉक्स को ढक दें, पाउडर स्किन को ठीक कर देगा। मैं श्रेक की तरह ग्रीन हूँ, मैं क्या मदद करूँ? इस ग्रीन स्किन से नफरत है और पिंपल्स भी। मैंने मास्क, लिक्विड, कपड़े सब ट्राई किया, सब बेकार था। तुम्हें वाइटामिन सॉल्यूशन से धोएं, शायद ये काम कर जाए। सब कुछ अभी भी वैसा ही है। हो एक आखिरी बार, ये लो ये पाउडर लो, अब उम्मीद इसी से है। अभी भी नहीं छुपा, अचानक से एक मैजिकल फेरी आई, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। प्रिंसेस वेंट से क्या होगा? तुम क्या कर रहे हो? उसे ब्यूटी सैलून जाना होगा। हैंडल को अलग करें, टूटा हुआ कैन, नेक एरिया, एक सीट तैयार करें, इसे कपड़े से लपेटें। ये एक आरामदायक कुर्सी है, बाल धोने के लिए बढ़िया है, कोई कस्टमर नहीं है। आना और एल्सा सैलून में पहुंची। ओ, मेरे पुराने दोस्त, उसे ट्रांसफॉर्म करें। मैं सब कुछ अच्छा करूंगा, चलो बालों से शुरू करते हैं। बैठ जाओ, बालों में फोम बनाते हैं, जरा देखो ब्यूटी, ये भयानक है। नॉर्बर्ट, तुमने क्या किया? हमें बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाहिए। एल्सा बहुत अच्छी लग रही है, मैं फिर से इंसान हूँ। एल्सा तुम बहुत सुंदर हो, ये शुक्रिया। चलो एल्सा के कपड़े बदले, ये रही आउटफिट, चलो ट्राई करो। मैं कैसी लग रही हूँ? कुछ कमी है, लेस लगाए, बॉटम राइनस्टोन से चमक रही है। एल्सा शानदार लग रही है। लड़कियों मेरे पीछे आओ, एल्सा आगे बढ़ो, चुनो, हम इसके बिना काम चला सकते हैं। तुम्हारी ड्रेस बिल्कुल नहीं जच रही, मैंने कुछ निकाला, ठीक है मैं बदलती हूँ। वाह शूज ने मेरा दिल तोड़ दिया, तुम क्या कहती हो? बहुत सुंदर। मिस, क्या हम दोस्ती कर सकते हैं? मैं एल्सा हूँ, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, कपल एक साथ चले गए। मुझे भी शूज बहुत पसंद है, ये मेरी फैमिली है। रंगीन स्टिक्स तैयार करें, वॉल्स बनाए, इसमें एक हैंडल चाहिए, हमें पहिए मिल गए, चलो इसमें स्ट्रॉ डालें। व्हील बैरो में चीजें ले जाना आसान है।
शानदार क्रिस्टोफ को जो मिला है उस पर काम करना है। डार्लिंग, क्या तुमने सुना? मुर्गे भूखे हैं, हमें उन्हें खाना देना है। खाना खाना, अच्छे से खाओ बर्ड्स। क्रिस्टोफ घास को फैला रहा है। हनी, लगता है शुरू हो रहा है। ओह, हॉस्पिटल जाने का वक्त है। वो पेरेंट्स बन गए। हमारा प्यारा बेबी, मुझे खुशी है कि हमारा परिवार बड़ा हो रहा है। अब बेबी को नीचे रखना चाहिए, उसे ये पसंद नहीं आया। ठीक है, फिर घास के घोंसले में। अब क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक व्हील बैरो बनाऊंगा। हाँ, मुझे जो चाहिए वो सब है। ओह, वो बहुत मेहनती है। बहुत बढ़िया क्रिस्टोफ। हनी, देखो कैसा है। इसमें घास डालकर इसे और नर्म बनाते हैं। बेबी, क्या तुम्हें पसंद आया? लड़की बहुत खुश है। बहुत बढ़िया और आरामदायक भी है। चलो चलें, मुझे अपनी बेटी को आसपास घुमाना है। एक क्रेडल बनाए। याहू, पत्ते गिर रहे हैं। पूरी कैनोपी पर पत्ते लगे हैं। बेबी क्रिब बहुत बढ़िया दिख रहा है। जैक और एल्सा भी पेरेंट्स बने हैं। आखिरकार हमारी बेबी घर आ गई है। सो जाओ बेबी, अभी आराम का वक्त है। ओह, क्या हुआ? ये सबसे बढ़िया क्रेडल है। बहुत खूब, पत्ते उड़कर आ रहे हैं। हवा की स्पिरिट हमें बचाने आई है। बेड के ऊपर कैनोपी थी। देखो, वो सो गई। लगता है हवा ने उसको सुला दिया। शुक्रिया। चलो उसे ना जगाएं। एक स्पैचुला ले। हमें रॉकिंग चेयर के लिए आर्च मिल गई। उसे पेंट करें ताकि वो लकड़ी जैसा दिखे। कार्डबोर्ड का टुकड़ा, हमें सिर्फ आधा ही चाहिए। ब्रश इस्तेमाल करें। लूप्स जोड़ें। तार को ऐसे मोड़ें। दोनों तरफ बकेट टांग दे। ये योक पानी ले जाने में मदद करेगा। गांव की जिंदगी बेबी को पसंद आ रही है। आप बाहर खेल सकते हैं और पंछियों को हाय कह सकते हो। आह, मेरी बेबी गंदी हो गई है। ओह, नन्ही पिगी, हमें इसे नहलाना होगा। मैं थोड़ा पानी लाता हूँ। हनी, फिर बहुत भारी है। ओह, मैं गिर गया। क्रिस्टोफ, क्या तुम ठीक हो? मुझे ये खुद ही करना होगा। तुम बेबी का ध्यान रखो। यहाँ तालाब है ना? हाँ, यही है। थोड़ा पानी लेते हैं। उफ, मैंने कर लिया। अब बस इसे ध्यान से ले जाना है। हनी, मैं आ गई। टब को भर कर इसे नहलाते हैं। सब हो गया, लड़की साफ हो गई और पेरेंट्स भी खुश हैं। हाय लालीलू, क्या तुमने मुझे बुलाया? क्या तुम अपने एयररिंग्स दे सकती हो? क्यों नहीं, नेल पॉलिश से कवर करें। लैंप में सुखाएं। अब पेसिफायर जोड़ें, एक चेन लगाएं। हमें एक स्टाइलिश पेसिफायर मिला। चलो इससे बेबी को खुश करते हैं। एल्सा बेबी को ओलाफ के पास लाई है। हे बड़ी, क्या तुम बेबी को संभाल सकते हो? मुझे कहीं जाना है। अगर बेबी रोती है तो उसे ये पेसिफायर दे देना। जरूर, चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। बाय। कितनी प्यारी है। क्या तुम अंकल ओलाफ से एक परियों की कहानी सुनोगी? एक बार की बात है, एरेंडल राज्य में सो भी गई। इतनी जल्दी, मैं भी सो जाता हूँ। ओह, पेसिफायर, इससे सोना आसान है। किसी को पता नहीं चलेगा। उसकी नींद ज्यादा देर तक नहीं रही। ओह, क्या हुआ? ओह, बेबी उठ गई। इसे शांत कैसे करूँ? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पर बेबी फिर भी रो रही है। समझ गया, तुम्हें पेसिफायर चाहिए। आखिरकार बेबी शांत हो गई। ओह, मुझे दोबारा कहानी पढ़नी पड़ेगी। कौन सा चुनना चाहिए? क्राफ्ट पेपर। एक एनवलप बनाते हैं। पिंक परी बन गया है। एक मैसेज लिखते हैं। एनवलप में डालें। मोम की सील। एनवलप को साइन करें। पंछी को दोबारा रंग करें। कुकू, पंख वाला पोस्टमैन वक्त पर चिट्ठी पहुंचा देगा। एल्सा अपनी बहन को बहुत याद कर रही है। आना, बहुत दिनों से नहीं मिले। ओलाफ, मैं यहाँ हूँ। आना को एक चिट्ठी लिखते हैं। तुम उसे क्या कहना चाहती हो? मैं सब लिख दूंगा। हम तुम्हें मिलने के लिए बुला रहे हैं। क्या तुमने लिख लिया? हाँ, और मेरा सिग्नेचर। अब बस भेजने की देर है। कुरियर कबूतर, इस चिट्ठी को आना को दे दो। आना और क्रिस्टोफ बगीचे में बिजी है। ये रहा कबूतर।
शुभ जाओ। उसके पास एक चिट्ठी है, वहाँ ये एल्सा ने भेजा है, वो हमें मिलने के लिए बुला रही है। ये हम महल में जाएंगे। फॉक्स फर को कंघी करें, पैटर्न काट लें, चमकीली बॉर्डर से सजाएं। ये राइनस्टोन बर्फ जैसे लग रहे हैं। ये सुंदर फर कोट सबका दिल जीत लेगा। जैक एल्सा को एक गिफ्ट देना चाहता है, शायद फ्लावर्स आर्च वाला एक पालना। मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है, एक स्लेट। उसके पास ही जरूर होगी। तो फिर बिल्ली, ये अच्छा आइडिया नहीं है। वो दोनों घूमे, वाह एक सुंदर कोट, ये बहुत बढ़िया है, इसे लेते हैं। एल्सा देखना मत, अब देखो, वाह ये बहुत गर्म और नर्म है, बहुत अच्छा तोहफा है। ओलाफ, सिर्फ मैंने ही नए कपड़े नहीं पहने हैं, मैं खुद को रोक नहीं पाया। पोज करने वाले, सिर्फ मैं ही फर कोट में अच्छी दिखती हूँ, बस करो। किंडर जॉय खोलो, उसकी बर्लैप पर आउटलाइन बनाएं, एक जोड़ी कंफर्टेबल हैंडल, बास्केट पर रस्सी लपेटे। सारी सब्जियाँ आ गई, बड़े काम की चीज है। अब फसल उगाने का वक्त है, अभी जमीन को नरम बनाते हैं। आसान काम था, बहुत अच्छे क्रिस्टोफ, मैं बीज बो देती हूँ। अब मिट्टी में पानी डालना है, बहुत जल्दी हो गया। हमारी पहली फसल, मैं जमा करता हूँ। देखो मैंने कितना अच्छा काम किया है। बुद्धू तुमने हर्ब्स उठाई हैं, हमें सब्जियाँ चाहिए, मजेदार था। चलो भी, घर में सभी चीजें जरूरी होती हैं। सबको कार्ट में रखो, एल्सा इन गिफ्ट को देखकर बहुत खुश होगी। चलो मेरी बहन से मिलने चलते हैं। चाय बनाते हैं, उसमें पेपर स्ट्रिप्स डालें, वो डार्क हो जाएंगे। साइड में क्रिस्टल लगाएं, योद्धाओं वाला स्पीच लिखें। सुंदर हैंडल वाली एक तलवार बनाएं। ये सम्मान किसे मिलेगा? एल्सा और जैक गेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। हे, यहाँ क्या हो रहा है? क्रिस्टोफ, मैं तुम्हें योद्धा बनाना चाहती हूँ। मिरांडा, वो सब लाई है जो तुम्हें चाहिए। ताज के बदौलत जो शक्ति मुझे मिली है, उससे मैं तुम्हें रेंडल का योद्धा घोषित करती हूँ। ये रही तुम्हारी तलवार और एक चोगा। वाह, ये बहुत बड़ा सम्मान है, बधाई हो दोस्त। आना, अब मैं योद्धा हूँ, मुझे तुम पर गर्व है हनी। उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। प्यारा बुके है, इसे स्लेक फ्रेम में बदलते हैं। इस पर सीट लगाएं, उसे सिंथेटिक विंटराइजर से भरें, और एक फर कोट भी। स्केट्स लगाएं। चलो जादुई यूनिकॉर्न की नकल करें। ये स्लेक शानदार है। अब घर जाने का वक्त है, कार्ट आ गई है, गिफ्ट को इस पर रखते हैं। ये बहुत सारे हैं। उफ, कार्ट इतना सामान संभाल नहीं पाएगी, ये अच्छा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हम इसे ठीक करते हैं। रुको, मैं जादू से तुम्हें एक बढ़िया स्लेड देती हूँ। वोला, यूनिकॉर्न के साथ एक शानदार स्लेड हाजिर है। वाह, बहुत सुंदर है। एल्सा, तुम बेस्ट हो, सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मॉम ने बेटे को अपने पास बिठाया, आराम से जाना। खैर चलो चले, वो हम तुम्हारे दोबारा आने का इंतजार करेंगे। डिजाइनर कार्डबोर्ड काम पर लग गया है। ये रहा बॉक्स का टेम्पलेट। बहुत हैरानी की बात है, हमें बेबी की कितनी चीजें चाहिए। सबको एक बेबी बॉक्स में डालें। हम बेबीज के साथ घर जाने वाले हैं। ये बेबी बॉक्स आपके लिए है, सबको शुरुआती दिनों के लिए जो कुछ चाहिए हमसे मिल जाएगा। चलो देखें इसमें क्या है। कितनी अजीब हैट्स है। इसमें और क्या है? पता नहीं ये चीजें इसमें क्यों हैं। ओलाफ, ये बेबीज के लिए है, तुम इन्हें ढक सकते हो और इनके साथ खेल सकते हो। इन बेबीज को देखो, मैं बढ़िया बेबी सीटर बनूंगा। डिजाइनर पेपर यहाँ है, हमें बस फ्रेम का सही साइज चुनना है। थोड़ा गोल्ड, एक मुलायम लाइट क्ले वाला पैड बनाए। बेबी सैर पर चलो, प्यारे पैर हैं। अब साइन लगा दो। मोल्ड जरूरी लम्हों की यादों को रखने का शानदार तरीका है। देखो तो हमारी बेबीज कितनी प्यारी हैं।
हमारा एक रिवाज है, छुट्टी से पहले हम पैरों की यादगार निशानियाँ बनाते हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। थोड़ी सी तैयारी। पहले एमिली। आइडा, अब तुम देखो। अब तुम। ये कितना अच्छा बना है। और अब यादों के लिए फोटो। आना और एल्सा घर जा रहे हैं। कैट्स को फायरप्लेस के ऊपर रखा गया है। ओ, वो खूबसूरत यादें। चलो एक पेंसिल छिले, शार्पनर निकाले और कंटेनर काम आएगा। बेबी, नैपकिन के लिए शुक्रिया। इन्हें बॉक्स में पैक करें। एक छोटे बॉक्स में बेबी पाउडर भरें। बच्चों के लिए सेट तैयार है। क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? ओ, इधर आओ। एहो, शायद मुझे पता है परेशानी क्या है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। ठीक है, मैं कहाँ से शुरू करूँ? इसे निकालना होगा। मैं इसे वाइप्स के बिना नहीं कर सकता। थोड़ा पाउडर। ओप्स, लगता है मैं ज्यादा भावुक हो गया। हो गया, नैनी ओलफ ने कर दिखाया। एक फ्रोजन किंडर जॉय। दोनों को रस्सी से लपेटें। बीच में मुलायम ब्लैंकेट रखें। रफल्स पेटल्स की तरह लग रहे हैं। वायर से लेग्स बनाएं। ये क्रिप्स बेबीज के लिए है। हमें कैनोपी चाहिए। एक बो। स्वीट ड्रीम्स छोटी बेबीज। बेबीज ने रोना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता इन्हें चुप कैसे करूं। मैं भी ये नहीं कर सकती हूँ। हश हश, मेरे पास आइडा और एमिली के लिए गिफ्ट है। सरप्राइज, ये बहुत प्यारा है। स्वीटी, तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा। छोटी बेबी सो गई। अब हम आराम कर सकते हैं। स्पंज का एक स्टैंड ले। शानदार पेंडेंट्स। फास्टनर्स बनाएं। ये आवाज कर रहे हैं। आइडा और एमिली को ये मोबाइल पसंद आएगा और वो हमेशा खुश रहने लगी। अच्छा, तुम सो क्यों नहीं जाती? ओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इन स्नोमैन को तो देखो। ओलाफ सो गया। क्या हम सपने में हैं? लड़कियां कहाँ हैं? ओलाफ, तुम क्या कर रहे हो? ओह, कुछ नहीं। शानदार पिक्चर है। चलो एक बेस लें। चलो इसे व्हाइट पेंट करें। बीट्स लगाएं। लेसेस, प्लास्टिक गियर राइनस्टोन्स लगाएं। बिजी बोर्ड तुम्हारे मोटर स्किल्स सुधारता है और शैतान बच्चों को बिजी रखता है। मैंने कई वक्त से ये गाना नहीं गाया। एमिली, तुम कहाँ जा रही हो? हमें उसका ध्यान भटकाने के लिए क्या करना चाहिए? एल्सा, तुम्हें वो बढ़िया टॉय याद है जिससे हम घंटों तक खेला करते थे? डैड ने इसे खास हमारे लिए बनाया था। देखो तो, वो इसके साथ कैसे खेल रही है। बेबी इसको बिजी बोर्ड के साथ खेलने में मजा आ रहा है। वुडन स्टिक। येलो बढ़िया रहेगा। स्टिक्स चिपकाएं। अब बीट्स। हमारा एक बढ़िया टॉय बन गया। एल्सा और आना की बेटियां खेलने लगी हैं।
ओह बॉल्स, उन्हें कैसे ले? ध्यान से एमिली। हाँ काम हो गया, ये पिंक है, इसे पिंक स्टिक में डालना है। ओह ग्रीन वाला कहाँ गया? हमें इसे दोबारा करना होगा। लड़कियों ने पिरामिड्स को बहुत अच्छे से बनाया। सब अपनी जगह पर हैं, वो आराम कर सकते हैं। तुम इस फोल्डर के साथ अब भी कुछ कर सकते हो। इन्हें साथ में चिपकाएं। स्लाइम बहुत मुलायम है। हवा वाली रिंग्स के साथ तैरना इतना डरावना नहीं है। ओह, मैं छोटे बीबी से गंदगी साफ नहीं कर पा रही। तैरने का वक्त हो गया, पानी भरो, मैं रबर रिंग्स लाती हूँ। बच्चों को ये पसंद आया। लगता है हमने इन्हें साफ कर लिया है। हमारी टीम बढ़िया है। कितनी प्यारी स्टिक है। चलो डिटेल्स को साथ में लगाएं, पहिए लगाएं, थोड़ा स्पार्कल, एक चेहरा बनाएं। अब एमिली और आइडा चलना सीखेंगी। एमिली तुम बहुत होशियार हो, चलो क्यूब्स के साथ खेलें। तुम थक गई हो, चलो किताब पढ़ते हैं। आइडा वाह, तुमने ये कैसे किया? हमारी लड़कियों को देखो, वो चलना सीख रही हैं।